सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा सरकार के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी शिक्षा क्षेत्र में अब छात्र छात्राओं को टेक्निकल बनाने के लिए ई लाइब्रेरी की स्थापना कर रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जिसकी विधिवत रूप से हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर ने उद्घाटन किया। पुलिस लाइन में बनी इस लाइब्रेरी में पुलिस कर्मचारियों के बच्चे और DAV पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन के छात्र छात्राएं अपने भविष्य को सुधारने के लिए पढ़ सकेंगे। सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बताया कि हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर ने इस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस ई लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया गया है, जिससे पुलिस लाइन में रह रहे छात्र छात्राओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा और पहले हम पुलिस लाइन में रह रहे छात्र छात्राओं को इसमें आने की इजाजत देंगे। अगर ये कामयाब रहा तो आसपास के रहने वाले छात्र छात्राओं को यहां पर आने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस हरियाणा के अलग अलग जिले में इस तरह की लाइब्रेरी खोलने का प्रयास कर रही है और हरियाणा में पुलिस लाइन में इस तरह की पहली लाइब्रेरी सोनीपत में बनाई गई है। हाँ, DGP का तो मंशा यही है कि हर जिले में ऐसे एक लाइब्रेरी हो। सो एज अ सैम्पल डेमोन्स्ट्रेशन हमने फर्स्ट एक रोल मॉडल टाइप का एक बनाया हमने, सो हाई स्टैंडर्ड्स। सो जिसमें जो जनरल के जो डायरेक्टर लाइब्रेरी है, इन्होंने भी बड़ी मदद करी है हमारी, और DCP गोहाना है, इन दोनों ने मिलकर ये बनाए हैं। और इस पर एक स्टूडियो है, लाइब्रेरी है और एक लैंग्वेज लैब है और एक स्मार्ट क्लासरूम भी है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हैं वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज लैब है, इसमें हर तरह की जो लैंग्वेजेस ऑनलाइन बच्चे सीख सकते हैं और DAV पुलिस पब्लिक के स्कूल के बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह की लाइब्रेरी हर जिले में DGP का ये ऑर्डर है, डायरेक्शंस है और उसकी तरफ एफर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, तो हर जिले में बनाएंगे। सर, क्या आउटसाइडर जो स्टूडेंट्स हैं, जो किस तरह की कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, क्या वो भी इसका लाभ है वो ले सकते हैं? तो स्टार्ट में तभी तो पुलिस वार्ड्स DAV पुलिस पब्लिक स्कूल उनके हैं और फ्यूचर में हम देखेंगे जो आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी देंगे इस लाइब्रेरी को यूज़ करने का। लेकिन शुरुआत में हम अभी फॉर अ मंथ आर टू सो पुलिस और DAV पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए रखेंगे। जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा, बच्चे अगर आएंगे तो गरीब बच्चे आएंगे तो उनको भी देंगे, लाइब्रेरी तो है सब।